दोस्तों आज का सवाल है, KGF 3 चैप्टर मूवी में किस अभिनेता की एंट्री हो चुकी है यश के साथ में। दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको गैस करना है किसकी एंट्री हो चुकी है। ए रामचरण की एंट्री हो चुकी है, बी महेश बाबू की एंट्री हो चुकी है, सी जूनियर एनटीआर की एंट्री, डी प्रभास की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों आपका टाइम होता है शुरू, 5 सेकेंड टाइम है आपके पास। दोस्तों सही आंसर है डी प्रभास की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि दोस्तों सलार मूवी आ रही है 2023 में और ये 28 सितंबर को रिलीज़ होगी। प्रभास जहाँ पर ख़त्म होगी वहीं पर ही KGF 3 शुरू होगी और इसमें यश की भी एंट्री हो चुकी है। दोनों एक्टर इस मूवी में धूम मचाएंगे और दोस्तों इसमें यश की कोमियो रोल होगा सलार मूवी में, प्रभास की आने वाली मूवी में। और दोस्तों KGF 3 में प्रभास की एंट्री हो चुकी है और ये इसमें काफ़ी बड़ा रोल होगा, कॉमियो तो होगा लेकिन एसेजेंट कॉमियो रोल होगा, इनका बड़ा रोल होगा। तो यश को वो एंड में बजाते नज़र आएंगे। और दोस्तों आपने KGF 1 KGF 2 देखी होगी, इसने सारी मूवी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। KGF 2022 में आई थी, इसने 1500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था और ये कुल 100 करोड़ की लागत से बनी हुई थी। और दोस्तों अब इसका तीसरा पास अलॉटमेंट हो चुका है दूसरे पार्ट में और इसका तीसरा पार्ट आपको 2024-25 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सलार की शूटिंग चल रही है और वो सलार के बाद ही इस मूवी में काम शुरू होगा और ये आपको 2024-25 में देखने को मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों फुल सपोर्ट करिए। दोस्तों इसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक कि नहीं बाय। तो टेक एंड केयर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलती है, तब तक के लिए बाय दोस्तों।